तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और मेरे घर के आसपास ऊपर आप देख रहे होंगे, ये पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है और अक्सर यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ शाम को और सुबह के टाइम पर आती हैं। तो अभी शाम का टाइम है, चलते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मुर्गियों को कैसे पकड़ते हैं और पकड़ने के जो तरीके हैं वो भी आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ना देखिए, आजकल पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पेड़ों से गिरती हैं और ये ऊपर आप देख रहे होंगे ना, तो ठीक बरसात से पहले ये पत्तियां, ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ से संभल के चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, और इस जंगल में दोस्तों बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ रहती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, कभी कभी ये बड़े झुंड में रहती हैं। और यहाँ पे देखिए ये मुर्गियों ने पॉटी की है, तो अक्सर मुर्गियाँ इसी के आसपास यहाँ रहती हैं जंगल में। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, थोड़ा हमें छुप के जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मुर्गियाँ आजकल जो ये पत्तियाँ हैं ना, सूखी पत्तियाँ, इनकी हल्की सी आवाज़ से वो मुर्गियाँ भाग सकती हैं। और दोस्तों ये मुर्गियाँ लगभग पूरे पहाड़ में मिलती हैं सब जगह, और ये मुर्गियाँ थोड़ा शर्मिली टाइप की होती हैं, मतलब यदि हम इनके नज़दीक जाएंगे तो ये तुरंत एकदम सतर्क हो जाती हैं और भाग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले ये मुर्गियाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो तादाद है कम होती जा रही है। पहाड़ों में दोस्तों मुर्गियाँ काफ़ी रहती हैं यहाँ पे। दोस्तों ये दिख रही, यहाँ पे देखा एक मुर्गी, शायद एक जंगली जानवर, किसी ने एक चिड़िया को, किसी मुर्गी का शिकार किया है शायद, जंगल में किसी जानवर ने किया होगा। तो यहाँ हैं काफ़ी मुर्गियाँ रहती हैं दोस्तों यहाँ पे ना। हमारे यहाँ पहाड़ों में इन्हें जंगली मुर्गियाँ ही कहते हैं, लेकिन कई जगहों इनको, जो इनका अंग्रेजी नाम है वो कालीज फेसेंट है। तो जो कालीज फेसेंट है ये लगभग पूरे पहाड़ में मिलती है और बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। और इसके सबसे जो नर और मादा होती हैं, जो नर है वो थोड़ा काला काला कलर का होता है और जो मादा होती है थोड़ा भूरे कलर की होती है। और इन पक्षियों की जो परिंदे होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है दोस्तों कि इनमें जो नर होते हैं वही चटक कलर के होते हैं और बहुत आकर्षक होते हैं, और जो मादा होती है
वो उतनी आकर्षक नहीं होती है, मटमैले कलर की होती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा एक साइंस है, देखो मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा साइंस क्या है कि जो मादा है ना तो वो अंडा देती है, और अंडा देते हुए उनको एक ही टाइम पर जब वो अंडा देती हैं तो कई दिनों तक 20 से लेकर और 30 दिन का वो पीरियड होता है, अलग अलग चिड़िया का, अलग अलग परिंदों का अलग अलग टाइम होता है, 20 से लेकर और 30 दिन का उनका पीरियड होता है जब वो अंडों के ऊपर बैठती हैं चूजे निकालने के लिए। तो उस दौरान उनको छलावे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्रकृति से तालमेल बैठा करके कोई उनको देख ना सके। तो उस टाइम पर जो मादा होती है उसका रंग भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि वो अपने को महफूज रख सके और किसी शिकारी के हाथ ना आ सके, और जबकि जो नर है वो बहुत चटक कलर का होता है, बहुत खूबसूरत रंग बिरंगा होता है, और वो मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रकृति ने उसको इसलिए उसको खूबसूरत बनाया है। तो ये साइंस आप समझ गए होंगे। चलिए अभी तो हमें मुर्गियाँ देखनी है, यहाँ काफ़ी मुर्गियाँ रहती है, सिर्फ मैं आपको दिखाऊं तो अक्सर मुर्गियाँ देखो शायद यहाँ पे आई तो है, ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई जानवर ऊपर घुसा हुआ। और ये पूरा का पूरा ना बांस का जंगल है दोस्तों, यहाँ पूरा बांस का जंगल है। काफी देखो दोस्तों मैं कितने जंगल में आ गया हूँ, और यहाँ पे ना बाघ का भी काफ़ी डर रहता है, लेकिन अभी तक मुझे मुर्गियाँ दिखी नहीं। काफ़ी देर से मैं प्रयास कर रहा था उनको देखने का। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि हमारा मकसद मुर्गियों को मारना कभी भी नहीं रहता है। यदि मैं थंबनेल पे यह ना लिखूं कि मुर्गियों का शिकार कैसे करें तो बहुत सारे लोग प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को भी नहीं देखना चाहेंगे, और उन परिंदों को भी नहीं देखना चाहेंगे, उनकी खूबसूरती को भी नहीं देखना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक प्रकृति के इस खूबसूरत परिंदे को पहुंचाने के लिए मैं थंबनेल पर ये लिखता हूं कि उनका शिकार कैसे किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि मैं परिंदों का और इस जंगल का बहुत दीवाना हूँ, और आप तक भी उनकी खूबसूरती को और यहाँ के खूबसूरत जंगलों को आप तक पहुँचाने के लिए ये प्रयास करता हूँ कि आप कम से कम इन जंगलों को देखें और उस परिंदे को देखें। पत्थरों के ऐसी छोटी छोटी गुफाएं बनी रहती हैं दोस्तों, तो अक्सर बारिश के टाइम पर और कभी वो चिड़िया आराम करने हो तो ऐसी गुफाओं के नीचे भी वो बैठती हैं। और इन झाड़ियों में तो अक्सर वो सरवट दौड़ जाती है भाई, जो मुर्गियाँ रहती हैं। तो मुझे यहाँ से निकलना ना ऐसा मुश्किल काम हो गया है। बुरांस के सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये लगभग पहाड़ों में हिमालय के लगभग 1400-1500 मीटर से हाइट से लेकर और लगभग 4000 मीटर या 4500 मीटर की हाइट तक ये इसका पेड़ होता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं जो हिमालय में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ अलग अलग वैरायटी के बुरांस हमें देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि हिमालय पर जो ट्री लाइन है लास्ट में जहाँ से बुग्याल शुरू होते हैं तो वहाँ तक भी बुरांस पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर बुरांस का कलर लगभग सफ़ेद हो जाता है। बहुत ही गुणकारी औषधि पौधा है बुरांस, और बसंत ऋतु में ये अपने चरम पर रहता है। जब जंगलों में खिलता है तो इसकी खूबसूरती अपने आप में बहुत ही लाजवाब होती है। दोस्तों यहाँ पे ना जंगल के बीच में ये देख रहे होंगे आप लोग, ये बनाया गया है बारिश के पानी को अंडरग्राउंड करने के लिए। यहाँ पे एक कच्चा तालाब बनाया गया है,
क्योंकि हमारे जो जंगल है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पानी अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है, बह जा रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये काम किया गया है। तो दोस्तों कुछ ही मुर्गियाँ दिखाई दी आज। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मुर्गियाँ कैसे पेड़ों पे चढ़ती हैं, यदि फिल्मा पाऊँगा तो वीडियो आप तक पहुँचाएगा, नहीं फिल्मा पाऊँगा तो नाराज़ मत होइएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखिए ये है बीज और ये बीज है बांस का, और बांस के इन बीजों को ना हम बो भी सकते हैं। ये देखिए ये बीज रहते हैं और इन बीजों से ना ये जो इतना हरा भरा पेड़ आप देख रहे हो ना बांस का, ये इसी से होता है, इसके ये बीज हैं, ये देखिए। दोस्तों वहाँ सामने पे मुझे एक मुर्गी और एक मुर्गा दिखाई दे रहा है। आवाज सुन रहे हो? कितना तेजी से भाग रहे हैं दोस्तों अभी। पांव के चलने की आवाज आ रही है ऊपर से। कितने मुर्गियां हैं देख रहे हो? ये भाई गांव में यदि आप रहोगे ना तो आपको ऐसे जंगली मुर्गियाँ और जानवर तो अक्सर, कल तो एक हिरन भी आया था बहुत बड़ा, मैं फिल्मा नहीं पाया उसको क्योंकि वो इतनी स्पीड में था। ये देखा देखा इतने प्यारे, इसे काली फैसेंट के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर ना इसे हम जंगली मुर्गी मुर्गा बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको जंगली मुर्गियां दिखाई जो हमारे इन पहाड़ों में अक्सर दिखाई देती हैं, गांव के नज़दीक रहती हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सी लेवल से लगभग 1500 मीटर से लेकर और 3500 मीटर की हाइट तक ये अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं पूरे हिमालय में, और बहुत खूबसूरत पक्षी है, बहुत खूबसूरत परिंदा रहता है। अक्सर ये ज़मीन पर रहकर ही अपना दाना चुगता है और रात के लिए ये पेड़ों पे चढ़ता है, और साल भर में इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है ये लगभग अप्रैल से लेकर और जुलाई जुलाई अगस्त के माह तक ये अंडे देते हैं और चूजे निकालते हैं। ये बहुत अधिक बहुत शर्मिला बहुत ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर परिंदा है, और ये एक टाइम पर एक मादा लगभग 4 से लेकर 7-8 अंडे तक ही देती है, और इसलिए इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी जो तादाद है वो लगातार घट रही है, और हमारे जंगलों में हम अक्सर आग लगा देते हैं तो इससे भी इनकी जो इनको दिक्कत होती है या इनके नष्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो प्रकृति के इस खूबसूरत परिंदे को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने जो भी झूठ बोला कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा मकसद शिकार करना नहीं बल्कि इसकी खूबसूरती को आप तक पहुंचाने का था। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।